तो दोस्तों आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे जोधपुर के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक जगह, 5000 वर्ष पुराना इस जगह का इतिहास है। यहाँ पर जो है वो पांचों पांडव ठहरे थे, रहते भी थे। कैसे, कौन सी जगह है, यहाँ पर आज भी लोग खूब सारे आते हैं स्नान करने के लिए और साल भर में मेला भी लगता है। मैं दिखाऊंगा आपको पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल नारायण श्रीमाली। कमल नारायण श्रीमाली, ये गांव कौन सा है? मेरा गांव तो प्रॉपर मेड़ता सिटी के पास है, रिया बड़ी। ये कौन सा गांव? ये गांव है अरना झरना। अरना झरना, हाँ। यहाँ पर देवता यानी इंद्र के पुत्र के पुत्र को श्राप लगा था, उसका मुंह गधे का हो गया था, उसके पैर खुर गधे जैसे हो गए थे। फिर यहाँ उसने स्नान वगैरह की इस पानी के अंदर, पानी में करने से उसका मुंह तो इंसान जैसा हो गया और उसके पैर जो थे वो खुर खुर की जगह पैर हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर पांडु लोग भी तपस्या की थी, करीबन 14-13 साल का वनवास हुआ था। उस समय नाइट होल्ट यहाँ करते थे वो, ठीक है ना। दिन भर तो वो बाहर मंत्रों की शक्ति से एक देश से दूसरे देश चले जाते थे, नाइट होल्ट वो यहाँ करते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब भी सोमवार और अमावस आएगी, सोमवंती अमावस आएगी, उस दिन मैं 108 कन्याओं का शादी करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना सर। तो उस समय वो 12-13 साल की पीरियड के अंदर सोमवार अमावस नहीं आई। उस नहीं आने के कारण से उन्होंने इस जल को हाथ में लेकर के उन्होंने श्राप दिया कि कलयुग के अंदर आप साल में एक बार दो बार आओगी। पहले 5-10-20 साल से एक बार आया करती थी, सोमवार अमावस, सोमवती अमावस। और श्राप लगने के बाद में यहाँ उनको श्राप लगा था, पांडवों ने उनको श्राप दिया था, इसलिए कलयुग के अंदर हर साल सोमवार और अमावस आती है, ठीक है ना। ये यहाँ का है। और अभी यहाँ पर कोई लोग आते हैं क्या? हाँ, यहाँ लगभग बहुत आते हैं, सावन में यहाँ मेला भरिजता है यहाँ पर। हाँ, यानी ये जोधपुर जिले का इस साइड, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर साइड का ये पुष्कर है, बुड्ढा पुष्कर। जैसे वहाँ अजमेर के पास पुष्कर आया हुआ है, वैसा ही ये स्थान यहाँ पर है। यहाँ जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर जिले के जितने भी हरिद्वार वगैरह जाके आते हैं, लास्ट के अंदर यहाँ स्नान करते हैं। अच्छा। देवताओं का उस साइड में बुड्ढा पुष्कर को सब तीर्थों को गुरु मानते हैं, और इस एरिया में तीन जिले के अंदर अरना झरना को गुरु मानते हैं। यहाँ पर जो भी पितृवादा है या कोई भी खंडित मूर्तियाँ घर के अंदर होती है वो सब यहाँ विसर्जन होया करती है। अच्छा। खंडित हो जाती हैं मूर्तियाँ, वो यहाँ पानी में ला करके विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पर कई अप्सराएं हिरणियाँ हैं जिनको श्राप लगने से वो हिरणियाँ वगैरह बन गई थी, वो इस पानी में स्नान करने से या पानी को छूने से ही उनका मोक्ष हो गया। झरना नाम कैसे? झरना मतलब बरसात, बरसात के टाइम में ये पूरा भाकर में से जैसे सहस्त्र धारा है ना, उसके जैसे यहाँ पानी टिपकता है पूरे भाकर में से। अच्छा। अभी तो बरसात नहीं हो रही है, खूब सारे झरने चलते हैं, झरने चलते हैं, पानी उसका बहाव इतना तेज है, ये पानी और फ्लो होता है, मंदिर भी डूब जाता है उसके। ये जो खिड़की जैसा लग रहा है यहाँ से पानी आता है उस साइड भाकरों में से पानी आता है, और वो मंदिर के अंदर से होकर के ये फ्लो होने बढ़ने के बाद में बाहर आता है। अच्छा। ये इसलिए बनाया हुआ है कि यहाँ लेडीज लोग सेपरेट स्नान वगैरह कर सकती है कपड़ों के लिए। ये ऊपर क्या बना हुआ? उधर ऊपर वो पांडवों की साल बनी हुई है, वहाँ पांडु लोग उसके यहाँ 14-12 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय यहाँ लाइट आउट करते थे। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पर ये नारायण बलि एकादशा करा रहा हूँ। इससे क्या होता है नारायण बलि? क्यों? यानी कि पितृ वगैरह का मोक्ष होता है। अच्छा। जो भी अधोगति होती है, जिसकी आत्मा भटकती है, ऐसे घर के अंदर तकलीफ देती है, उसका क्या नारायण बलि करने से उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आके करवाना जरूरी है कि कहीं पर भी हो जाती है? नहीं, ये मंदिर होना चाहिए, महादेव का मंदिर हो या पीपल हो, धार्मिक स्थल पे होते हैं, घर में नहीं होता है ये। नारायण बलि घर में, नारायण बलि घर में नहीं होती है। अच्छा। बाहर ही होती है। अच्छा, तो इसके मतलब जैसे कोई पूरा अपनी उम्र लेके जाए, 100 वर्ष, 80, 60, 70 ऐसा उसकी होती है, या तो जवान चला जाए उसकी? पहले पुराने समय में तो जिसकी दाह संस्कार होता था, जिसके अग्नि संस्कार होता है ना, तो उसका नारायण बलि होती है। अच्छा। अब उसके बाद में क्या, अंग्रेजों का राज, मुसलमानों का राज और आने पे कई तरह के धर्म वगैरह उन्होंने बंद कर दिया इनको, ठीक है ना सर। अच्छा। ब्राह्मण बनिए, महाजन सब में होता है। अच्छा। ये तो रेगुलर ही होता है, हर डेथ में, चाहे वो अकाल मृत्यु हो चाहे नहीं हो, परंतु ये जिन जातियों के अंदर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है उनमें ये नारायण बलि करने से उसकी मोक्ष हो जाती है। अच्छा।
मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष मिलता है, आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा भटकती नहीं है। तो यहाँ आकर के कोई भी व्यक्ति ये नारायण बलि करवा सकता है? हाँ, कोई भी करा सकता है, पंडित लोग करवाते हैं। अच्छा, तो अरना झरना ये एक तीर्थ स्थल है और अरनेश्वर महादेव जी का यहाँ पर मंदिर है। और मेरे पीछे की साइड में ऊपर कुछ देख रहे हैं ना आप, ये कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर पांडव ठहरे थे, पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया था अपने वनवास काल के दौरान। तो ये वही जगह है, ऊपर जाने का रास्ता ये पहाड़ी है जो मेरे पीछे की साइड में आप देख रहे हैं। और मुझे यहाँ के जो पहाड़ है ये बहुत ही गजब लगे, देखिए किस तरह के पहाड़ है, बीच बीच में से इस तरह से मिट्टी निकली हुई है और उसके बाद में अपने आप ही छोटे 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 सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ीदार पहाड़ बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ पर जो यात्री कोई आए तो ठहरने के लिए कोई व्यवस्था है? सब व्यवस्था है, यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, जाति वाइज राजपुरोहितों की है, मेघवालों की है, माड़ियों की है, सब बनी है, ठीक है ना। वैसे कोई भी रह सकता है, सब जाति विशेष ये सब बनी हुई है, वैसे कोई भी रहो आपको कोई तकलीफ नहीं है। एक दोस्तों यहाँ पर गुफा बनी हुई है, काफी अंदर तक जा रही है और ऐसी चट्टानों के नीचे यहाँ पर खूब सारी आपको गुफाएं मिल जाएगी। यहाँ पर रास्ता है जो एकदम ही कठिनाई भरा है, फिर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं है लेकिन पहाड़ों की ऑटोमेटिक सीढ़ियां बनी हुई है। क्या करके हाँ भाकर क्या होता है? भाकर मतलब ये भाकर लिखा हुआ था। अच्छा, पत्थर पत्थर को ऐसे भीमसेन ने इसको दूर किया ऐसे। अच्छा, करके अपना रास्ता बनाया। तो भीम ने इसको साइड में अलग अलग करके रास्ता बनाया। तो चलिए भीम के रास्ते से चलते हैं अभी। ये दोनों साइड में ऐसे इसको अभी ऊपर छेने वगैरह उसी के हाथ की रखी हुई है। अच्छा, तो हम आ गए भीम की बनाई गुफा में। साढ़ गेट 500 भाइयों के एक ये हो गया। हाँ, दूसरा तीसरा चौथा पांच भाइयों के अंदर घुसने के, यहाँ इनकी कुलदेवी का स्थान है। अच्छा, पांडवों की कुलदेवी। हाँ, उसमें खुदाई की हुई है। अच्छा, यहाँ उनके देवी देवता विराजमान थे। तो अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है? अभी कोई नहीं रहता, ऊपर पूजा नहीं करते? कोई पूजा कोई नहीं करता। क्यों? बंदर रहते हैं। हाँ। अच्छा, इसकी छत ऊपर पहाड़ी है, भाकर पहाड़ है, ये शिला ले अल्लाह की रखी है। अच्छा, बड़े बड़े पत्थर। हाँ, उनके आशय बनाया हुआ है। अच्छा, अभी उसकी ये सुरक्षा के लिए बीच में ये लगाया है सपोर्ट। अच्छा, ये नहीं, ये सपोर्ट लगाया हुआ है, सपोर्ट अब लगाया है। अच्छा, ये अब बीच वाला पत्थर पहले था ही। अच्छा, साइड वाले की सपोर्ट लगाया है, ये पहले का है पुराना और ये साइड वाले अब लगा। ये उनका रास्ता है महादेव का अभिषेक करने जाने का, नीचे यहाँ से भी जाने का है अंडरग्राउंड। अच्छा, अंडरग्राउंड रास्ता है। अभी तो नीचे किक्कर हो गए नहीं? ये उनके महादेव जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे थे शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल के ऊपर और हम आपको कंप्लीट राजस्थान की यात्रा करवा रहे हैं। आप इस चैनल शुभ जर्नी को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, पास की बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही आप इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुभ जर्नी।